किताब विपणन की रीत तो सच दा मार्ग भाग तीजा लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना दूजे कांड दा ग्यारहवां भाग झूठ ना बोल पांडे सच कहिए बारहवां भाग पांच जने संख अते तेरहवां भाग रतन रूप माया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। झूठ ना बोल पांडे सच कहिए। कुदरत दे पक्के नेमां दे विरोध वाली किसी भी पुराणक कथा कहानी दा जां उस कथा दे किसी नायक दे वजूद दा गुरु ग्रंथ साहिब समर्थन नहीं करदे। 14 रतन कढ़न लई समुंदर रिड़कण वाली इस निर्मूल गाथा दा भारत दे लोकां दे मना अंदर अज तक भी बड़ा असर वेख्या जांदा है। सतगुरां दे समें देवी देवतियां बारे अथवा उन्हां दी कथित शक्तियां दा विपरी प्रभाव जोरां ते सी। उस प्रति बनी डूंगी शरदा वाले भरम तों जनता नूं मुक्ति दवाउणी सौखा काम नहीं सी। गुरु साहिबान ने मिथिहासक कथा कहानियां दा गुरबाणी विच जिक्र अजिहे ढंग नाल कीता है कि जिस नाल पहलां तों इस झूठ नूं सच मन्नी बैठे किसे शरधालू दा दिल भी ना दुखे अते कहानी दी महत्ता बारे बनिया असर भी हटदा जाए। समुंदर रिड़कण वाली कहानी दे हवाले नाल लिखी गुरबाणी द्वारा सदीवी जिंदगी देण दी शक्ति वाले असली अमृत दी प्राप्ति दा ढंग दसण नाल अपने आप ही समुंदर रिड़कण वाली इस पुराणक कहानी दी खंडना हो जांदी है। सतगुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी विच पुराणक कहानी दे प्रमाण मात्र जिक्र तों पुराणक कहानी दी सच्चाई दी पुष्टि हुंदी दा भुलेखा खाणा भुल है अथवा मनमत है। कई गुरबाणी शब्दां विच अजिहे रिड़कणे दा अथवा बिलोवणे दा जिक्र है जिस तों मिलदे ज्ञान दे धारनी बणिया सदीवी आत्मक जिंदगी देण वाले नाम अमृत दी प्राप्ति हुंदी है। उपर लिखी 14 रत्नां वाली गाथा दे सूक्ष्म जिहे हवाले वाले कुछ गुरबाणी शब्द अथवा वह गुरु शब्द जिन्हां विच बिलोवणा अथवा मथना रिड़कना लफ्ज़ की वरतों है इस प्रकार हन। मेरे राम ऐसा खीर बलोइए गुरमत मनुआ आस्थिर राखो इन बिद अमृत पियोइए रहाओ। पन्ना 332। अर्थ हे मेरे प्यारे प्रभु दुध दे कथित समुंदर नूं रिड़क के लड़ाइया झगड़िया दे मूल नाशवंत रतन पदार्थां विचों मैं की लैणा। मैनू गुरु की मत दे के मेरा मन माया वालों अडोल कर दे तां जो असली दुध रिड़किया जा सके भाव सिमरन का सफल उद्यम किया जा सके ते इस तरीके नाल ही भाव जे तू मेरे मन नू माया पिछे भटकण तो अडोल रखें तद ही तेरा नाम अमृत पीता जा सकता है रहाओ। सो टिक्का सो बहना सोई दीबाण पिउ दादे जावेहा पोता परवान जिन बासक नेत्र कत्या कर नहीं ताण जिन समुंद विरोलिया कर मीर मदान 14 रतन निकालियन की तौन चानाण घोड़ा कीतो सहजदा जत कियो पालाण तनख चढ़ायो सत दा जस हंदा बाण कल विच तू अंधार सा चढ़िया रह पाण सतों खेत जमायो सतों शावाण। वार सत्ता बलवंड पन्ना 968। अर्थ पोत्रा गुरु अमरदास जी भी मन्या परमन्या गुरु है क्योंकि वह भी गुरु नानक जी ते गुरु अंगद साहिब वर्गा ही है जिस दे मत्थे उत्ते भी ओही नूर है। इसका भी ओही तख्त है ओही दरबार है जो गुरु नानक ते गुरु अंगद साहिब जी दा सी। इस गुरु अमरदास ने भी आत्मक बल नूं नेणी बना के मन रूप नाग नूं नेत्रे विच पाया है। उच्ची सुरत रूप सुमेर पर्बत नूं मधाणी बना के गुर शब्द रूप समुंदर नूं रिड़किया है। उस शब्द समुंदर विचों रब्बी गुण रूपी 14 रतन कढ़े जिन्हां नाल उसने जगत विच आत्मक जीवन दी सूझ दा चानण पैदा कीता। गुरु अमरदास जी ने सहज अवस्था दा घोड़ा बनाया विकारां वलों इंद्रियां नूं रोक रखण दी ताकत नूं काठी बनाया सुचे आचरण दा तणख कसिया
ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਤੀਰ ਪਕੜਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਨੋ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤ ਭਾਵ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਜੜੀ ਖੇਤੀ ਮੁੜ ਜਮਾਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾ। ਤਨ ਘਰ ਮਟਕੀ ਮਨ ਮੈਂ ਬਿਲੋਈ, ਇਸ ਮਟਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਜੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਮਨ ਕਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਮੀਰਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੱਗ ਉਤਰੇ ਤੀਰਾ। ਪੰਨਾ 478। ਅਰਥ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦਾ ਤੱਤ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਬਣ ਸਕੇ ਰਹਾਓ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਟੀ ਬਣਾਓ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜੋਤ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜਾਗ ਲਾਓ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੂਪ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬੀਰ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਿਓਂ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਨਾਨਕ ਈਸਰ ਜਗਨਾਥ ਉਚਹੁੰਦੀ ਵੈਣ ਵਿਰ ਕਿਉਂ। ਮਾਧਾਣਾ ਪਰਬਤ ਘਰ ਨੇਤਰ ਬਾਸਕ, ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕਿਉਨ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਅਨ, ਕਰ ਆਵਾ ਗੌਣ ਚਿਲ ਕਿਉਨ। ਪੰਨਾ 967। ਅਰਥ, ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਹੱਦ ਦਾ ਉੱਚਾ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਰੂਪ ਵਾਸਕ ਨਾਗ ਨੂੰ ਨੇਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪ 14 ਰਤਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਧੁਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਦੇ 14 ਲਫਜ਼ਾਂ ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਪਹੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਹੀ 14 ਰਤਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਸ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤਉ ਦੁੱਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ਰਹਾ। ਇਹ ਮਨ ਇੰਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਫੁਨ ਨੇਤਰੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਐ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਪੰਨਾ 728। ਅਰਥ, ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੋ, ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਉੱਦਮ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਰਹਾਓ। ਮੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦੇ ਕੇ ਤਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦਿਓ, ਤਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਵੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ।
फिर जुड़ी सुरत की बरकत नाल दुनिया दियां आसां तों उतां उठो। इस तरह यह दुध जमावो भाव जुड़ी सुरत की सहायता नाल रोजाना किरतकार करदियां भी माया वालों उपरामता जही रहेगी। दुध रिड़कण वेले तुसी नेत्रे दियां ईटियां हाथ विच फड़दे हो, अपने इस मन नूं वस विच करो, क्योंकि आत्मक जीवन वास्ते इस तरह यह मन रूप ईटियां हाथ विच फड़ो। माया दे मोह दी नींद मन उत्ते प्रभाव ना पाए, यह नेत्रा है। जीव नाल परमात्मा दा नाम जपो, ज्यों ज्यों नाम जपोगे त्यों त्यों यह रोजाना किरतकार रूप दुध रिड़की दा रहेगा। इन्हां तरीकियां नाल रोजाना किरतकार करदे होए ही नाम अमृत प्राप्त कर लवोगे। परपंच छोड़ सहज घर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलो नवें निध पावो, इन बिद तत् बलोई। अथवा शरीर नूं कष्ट देने वाले जपां तपां दे करन नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी पाणी रिड़कणा फुरमान करदे हन। काए जपो रे काए तपो रे काए बलहपो पाणी, लख 84 जिन ऊ पाई सो सिमरो निरबाणी। पन्ना 526। सत संगत विच जाके आत्म अडोलता नाल प्रभु नाम दा रिड़का पाओ, भाव प्रभु नाम दियां विचारां करन विच सुरत जोड़न विच सतगुरु जी प्रभु दी प्राप्ति फुरमान करदे हन। तित जाए बहो सत संगति, जिथे हर का हर नाम बलोईऐ, सहजे ही हर नाम लेवो हर तत न खोईऐ। पन्ना 587। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बलोवन कौ माटा, ताकि हो बलोवन हारी, क्यों मैटो गो शाश तुहारी। पन्ना 655। भरमे भूला साकत फिरता, नीर बरोलै खप खप मरता रहो। पन्ना 739। नोट, गुरुबाणी की यह पंक्ति अर्थां समेत इसे भाग के दूजे कांड की शब्द सूची विच लिखी जा चुकी है। रिड़कण शब्द नूं वरत के पंजवें गुरु जी प्राणी नूं मौत दा समा याद करा के पाप कर्मां नूं त्याग के प्रभु सिमर नाल जोड़न दा यतन करदे होए फुरमान करदे हन। पापी कर्म कमांदे करदे हाए हाए, नानक ज्यों मथन माधाणियां त्यों मथे त्रम राए। नाम ते आयन साजना जन्म पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चवें कीतो भवन पुनीत। पन्ना 1425। भाग 12 पांच जनसंख। पुराणा दियां लिखतां अनुसार समुंदर रिड़कण तो प्राप्त होए रतना की वंड समय विष्णु भगवान नू संख एडा प्यारा लगा कि उन्होंने लक्ष्मी दे नाल उस समय की सब तो सुंदर परी रंभा लै लैण दे थां संख नू झट हथ पा लिया। अते फिर पुराणा की दूजी कहानी अनुसार कृष्ण रूप विष्णु जी ने ही समुंदर विच वड़ के बड़े घोर युद्ध मगरों पांच जने दैंत नू जानो मार के इस संख नू प्राप्त किया। विष्णु मूर्ति संख तो बिना बनाउणी ब्राह्मण ने प्रवान ही नहीं की। बिपर जी ने संख नू अगम अदृष्ट अगोचर अवक्त निआकार निरा नूर ही नूर परम शक्ति नू अपने चेले लई संख तो बिना अधूरा बना दिता होया सी। चंडका देवी दियां 8 बाहां विचों एक ने संख सांभिया होया है। बिपर गुरु दा चेला भारतवासी परमात्मा दी शान समझदा ही संख नाल सी। यही कारण है कि परमात्मा दा वर्णन करदे समय भगत नामदेव जी नू उस संख दा नाम सब तो पहला लेना पिया। संख चक्कर माला तिलक विराजत, देख प्रताप जम डरियो, निर्वो भये राम बल गरजत, जन्म मरन संताप हिरियो। पन्ना 1105। पर कबीर साहब तां संख नू संबोधन करके कह रहे हन कि हे संख, तू समुंदर विच टिकिया रह, नहीं तां इस दे विछोड़े दे दुखों मंदरां विच सवेरे सवेरे धाहां मारदा रहेंगा। कबीर, रह नायर बिछोरिया, रहो रे संख मजूर, देवल देवल ताड़ी देसें उगवत सूर। पन्ना 1371। इस महावाक तो
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू उपदेश देण लई इउं फरमा रहे हन, इह मनुख तू किसी हालत विच भी प्रभु दे दर तों ना विछड़ी। जे तू प्रभु नू विसार के किसी होर शक्ति जां व्यक्ति ते टेक रख लई तां सदा दुखी रहेगा अते दर दर ते धक्के खांदा जन्म मरण दे चक्करां विच पिया रहेगा। तुद्दों भुले से जम जम मर दे तिन कदे न चुकन हावे। पन्ना 961 भाग 13 14 रतन रूप माया। जे तनंतर नू सही शब्दां विच निपुण हकीम मान लिया जावे तां उस तनंतर वैद कथित रतन तों बिना इस्त्री कल्प ब्रिश काम तिन गऊ मणि आल समुंदर विचों कढ़े सारे रतन माया दे ही वख वख रूप हन। इस माया दे पिछे मन दी हालत विच खज्जल खुआर हुंदे अग्ञानी संसारियां बारे कीती अजही गल तां समझ विच आ सकदी है, पर निरंजन भाव माया दी कालख तों नरलेप अखवाउण वाला भगवान महाप्रतापी अते संसारी जीवां नूं त्याग दा उपदेश देण वाला भोलेनाथ अते देवराज इंद्र समेत सारे देवते जिस ढंग नाल माया दे पिछे खज्जल हुंदे लड़दे झगड़दे एक दूजे दियां चुगलियां करदे दरसाए हन, इस तों शर्म नाल सिर झुक जांदा है। हिंदू ग्रंथां दियां इन्हां लिखतां तों प्रभावित होए अग्ञानियां नूं असलीयत दे दर्शन कराउण लई ही गुरु बाणी विच इन्हां देवतियां नूं निरी माया दी पदाइश अते माया पिछे खज्जल हुंदे मनुखां नालों वी गए गुजरे दर्साया है। ब्रह्मा बिशन महेश त्रै मूरत त्रै गुण भरम भुलाई। पन्ना 909 त्रै गुण दा अर्थ रजो सतो तमो तिन्ना गुणा वाली माया। ब्रह्मा बिशन महादेव त्रै गुण रोगी विच होमे कार कमाई जिन किए तिसे न चेते बपुड़े हर गुरमुख सोझी पाई। पन्ना 735 माया दी खातर खज्जल खुआर होण वाले वास्ते सतगुरां दा फरमान है माया कारण ताव ही मूर्ख लोग अजान। पन्ना 1427 कथित रत्ना मगर खज्जल खुआर होण वाले ये पुराणक भगवान फिर की होए कि ये मनुखां तों वी हेठां नहीं जा पाए। अपने गल दा शिंगार बनाउण लई अथवा अपनी डिठ असलीयत नालों वध प्रभावशाली बनाउण वास्ते कोई भेख बनाउण लई समुंदर विचों मणि कढ़न दी लालसा नाल कछु बनना मंजूर कर लैण वाला माया ग्रसिया कोई मनुख भी अपनी बरादरी विच कदे माण नहीं पाउंदा। अजिहे मनुख नूं सदा मखौल हुंदे रहिंदे हन। विष्णु भगवान जी ने माया दे लालच विच कछु बन के मूहदे मूँह रेत विच धस के पिठ ते पहाड़ मधाणी दे रगड़े झल के भगवान पदवी दे माण सत्कार दी जखणा पुट मारी। लोभ दे वस हो के अजही नीवी हालत ताईं डिग पैण वाले भगवान बारे की विचार बने। कुरबान जाइए ब्राह्मण दी लिखण ढंग वाली करामात तों कि पूजा करनी तां किते रह गई। लोग अजहे माया ग्रसे भगवान दी मूर्ति नाल अपनियां बच्चियां दी शादी कर देण नूं धन भाग मन्नी गए। चलो सानू की ब्राह्मण जाने अते उस दे चेले जानण। आओ असी इन्हां रत्ना अते मणियां बारे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे फरमान दी विचार नाल जुड़िए। रतन जिवे हर माणका हब्बे मणि मथन नानक जो प्रभ भाणिया सच्चे दर सुहन। पन्ना 1284 अर्थ हे नानक जो जीव प्रभु नूं प्यारे लग गए हन वह उस सदा थिर रहण वाले दे दर ते शोभा पाउंदे हन। उहनां नूं किसे हार शिंगार अथवा मणियां लभण दी लोड़ नहीं क्योंकि उहनां दे मत्थे उत्ते सारे रतन जवाहर मोती ते मणियां हन, भाव गुणा करके उहनां दे मत्थे उत्ते नूर ही नूर है। गुरु साहिब जी का फुरमान है कि सारियां आसां पूरियां करन वाली संसार ते जे कोई मणि है तां उह केवल प्रभु ही है। प्रभु दे नाम नाल अजही घटिया किस्म दी अमृत मंथन वाली प्रकिरतक नियमां दी विरूरता वाली कहानी जोड़नी प्रभु दी नरादरी है। प्रभु दा तां नाम ही मणियां विचों श्रेष्ठ है, उस नूं भला किसे मणि दी लोड़ क्यों पए। चिंतामण करुणामय रहाओ, दीन दयाला पार ब्रह्म
जाकै सिमरन सुख भए अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग खय कृपा निध प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय। पन्ना 212। अर्थ हे तरस रूप प्रभु तू ही ऐसा रतन है जो सब जीवां दियां चितवियां कामना पूरियां करन वाला है रहाओ। हे पार ब्रह्म परमात्मा तू गरीबां उत्ते दया करन वाला है। तू ऐसा है जिस दी शरण दी बरकत नाल सारे सुख प्राप्त हो जांदे हन। हे अकाल पुरख तेरे स्वरूप दी समझ जीवां दी अकल तों परे है। तेरी सिफत सलाह सुनदियां करोड़ां पाप नाश हो जांदे हन। गुरदेव जी दा फरमान है जिस जिस मनुख ते तू तरस करदा है वो तेरा हर नाम सिमरदा है। किताब विपरन की रीत तो सच दा मार्ग भाग तीजा लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना दूजे कांड दा 11वां 12वां अते 13वां भाग। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।